सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू, मतलब यार छाती है ना 56 की हो जाती है यार, एक प्राउड फील होता है। लेकिन अपने पास सरदार वल्लभ भाई पटेल यार, मतलब 450 से ऊपर रजवाड़ एकड़ डाले, मतलब हम तो यार घर के 5 मेंबर एकड़ नहीं कर सकते, इसने 450 रजवाड़े एक कर डाले, मतलब यार रियल यार प्राउड फील हो रहा है। स्टेच्यू देख के कितना मस्त लग रहा है। भाई यहाँ पे ना एक ही रोड पे, मतलब आप केवड़िया आ जाए, केवड़िया पे आपको हर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कौन से रोड पे जाना है, और वहाँ यहाँ पे आके ना पार्किंग देश के जीडीपी में योगदान दे दीजिए, 150 रुपये पार्किंग के चार्ज है। यहाँ पे पूरा पार्किंग है, और पार्किंग में एक रास्ता जाता है, एक ग्लो वैली है, फिर वहाँ से एक फ्लावर्स की एक वैली है, सामने जीरासी पार्क का वो है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना ये बाउंड्री वो जंगल सफारी है, और सामने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। तो फिर बस कार पार्क कर दीजिए यहाँ पे, अपने आप सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये चार्जेस है 125 वीडियो कैमरा के है, और चिल्ड्रन के 3 से 15 साल के लिए 125 रुपया है, एडल्ट के लिए 200 रुपया है। तो यहाँ से टिकट लेनी है, टिकट के बाद आएगा आपको लेने के लिए बस आएगी। और भाई ये सेल्फ ड्राइव करके मैं जाऊंगा अगर मुझे करने देते तो, इसमें ना बैठ के जाना है, देख लीजिए भाई। देखो बस लेके आए हैं, और ये एक नंबर बस स्टॉप, लायन बस स्टॉप, वहाँ से बस ली, यहाँ पे आए, और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है, टाइगर है, लायन है, देखते हैं क्या क्या है। वहाँ पे टाइगर है, वहाँ पे टाइगर है, ये लेपर्ड है, और लायन है, एशियाटिक लायन है। भाई एक बात बोलूँ, ये टाइगर लेवल से ना एक लेवल अप का है ना, एक अलग से लेवल का मेरे घर में है, ज़्यादा नहीं बोल सकता, घर पे जाना है। लेकिन मैं जहाँ पे पैदा हुआ, पला बड़ा, बिगड़ा, वहाँ पे ना ओपन में लायन मिलते हैं, मतलब ओपन में आप जा रहे हो कहीं, कोई गाँव जा रहे हो ना सौराष्ट्र में, गिर का जो एरिया है वहाँ पे आपको ओपन में लाइन मिलेगी, मतलब वो लाइन देखोगे ना तो मैं बोल दूंगा कि आपको ना मतलब झाड़ा हो जाता है, झाड़ा बोले तो मतलब लेटरिन विथ सो मेनी वाटर या डायरिया, सॉरी डायरिया, तो मतलब है ना ओपन में देखे हुए तो ये ठीक है, लेकिन जब ओपन में जो देखने की मजा ना वो एक अलग ही है भाई, अलग लेवल की।
बारे में ना, वो रामायण में जब स्टोरी आती थी, सीता माता ने कहा था कि वो मृग मुके मुझे ला कर दो जो सोने का था, वो ये काला हिरन, भारतीय जंगली गधा, इंडियन वाइल्ड एस, ये देखिए। अब मैंने फर्स्ट टाइम देखे यार, ये देखिए तीन या चार है, लेकिन खुले में यार अलग लग रहे थे। ये तो ठीक है, तो पता चला, मतलब ये देखा तो पता चला कि ये गधे, बाकी तो मतलब मुझे तो कोई घोड़े की प्रजाति लग रही थी। पर्वतों के बीच, मतलब ये चट्टान के नीचे, मतलब ये देखो कोई ऐसा कुछ किया नहीं गया है, ये नेचुरल फील आ रही है, ये नेचुरल फील आ रही है, तो एक अलग सी मज़ा आती है। मतलब ऐसा लगता है कि हम खुले में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे उसका कुछ लिखा हुआ, ये क्या है, ए वाइट ब्लैक बग, इसकी हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है कुल मिला के। और यहाँ पे भी कुछ है, ये शायद डियर है। ये देखिए, अरे बाप, और ये है ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका पोर्शन, यहाँ पे ये शामरुग, तो लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड लग रहा है। कितने क्यूट लगते हैं ना, कभी मन होता है कि इसके ऊपर बैठ के थोड़ी सवारी कर ले। मैंने देखा है इंग्लिश मूवी में, ये देखिए, मतलब फील ही नहीं होता कि आप इंडिया के अंदर है। मतलब ये जो मुझे जिस तरह से ये डेकोरेट किया गया है ना, फॉरेन की फील आती है। वाव, कितने क्यूटी मोटी इनोसेंट एनिमल। ये देखिए, जेड फॉर ज़ेब्रा, तो बचपन के अंदर अल्फाबेट पढ़ते थे उसमें जो मतलब बोलते ए डबल पी एल, और जब जेड ई बी आर ए ज़ेब्रा आता था जो फील आती थी ना, क्योंकि उसके बाद होमवर्क खत्म, तो वही ज़ेब्रा, मतलब वो पिक्चर है ना दिमाग के अंदर छप गई है, तो मतलब आज भी देखता हूँ ना तो मज़ा फील आती है। ये वो बर्ड्स है कोई, मतलब ये पैरट है, और 2 से 2.5 फीट के हो गए यार, यहाँ के तो नहीं लगते, लेकिन जहाँ के भी यहाँ पे सेट हो गए वेदर में। देखिए, मुझे तो लगता है ना इसको सेट करने के लिए ना फीमेल बदलते रहते हो गए यार। टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब ये जैसे राउंड मारा ना, ऐसा लग रहा है कि वो बोर्ड की एग्जाम में वो सुपरवाइजर राउंड मारते ना, या फिर वो चंबल की घाटी में वो गब्बर सिंह कैसे राउंड मारता है, कितने आदमी थे यार, ऐसे राउंड मार रहा है यार, क्या इनोसेंट। मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट जिराफ देखा है, उससे पहले मैंने ज़ेब्रा देखा था वो अहमदाबाद के काकरिया के अंदर, लेकिन आज तक मैंने ना ये नहीं देखा।